नमस्ते सत्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो चाइना विल नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड नॉट मेक सीपैक। अच्छा जी, चलिए मिलकर देखते हैं जी वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। आप चाइना के पास जा रहे कैश लेने के लिए, कोई आपको कैश आजकल देगा नहीं। देखें, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय पावर्स टू बी। चाइना कभी नहीं देगा आपको। चाइना ने सीपैक में क्या दिया आपको? एक टका नहीं दिया, एक सेंट। सब अपने पास उन्होंने पैसे रखे हैं, खुद ही चेक्स दे रहे हैं, और सब कुछ, यहाँ तक के इंश्योरेंस जो होती है वो भी चाइना से होती है। कल को शायद उन्हें हमारी जरूरत थी, आज वो जरूरत ना हो। बहुत से मामला सॉर्टेड आउट होकर उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज किया है। वो क्यों कोई भी मुल्क अपने डिपॉजिट करेगा या यहाँ पर इतना पैसा रखेगा या इन्वेस्ट करेगा जब इस्तेहकाम ही मौजूद नहीं? बिल्कुल बात आपकी सही है। कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा। वो नहीं होने देंगे, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पर ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े जो गैरत थी, ये तो वो फड़ लो छड़ लो, ऐग कर देंगे, वो कर देंगे, आग ला देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। पाकिस्तान में सीपैक का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, वो क्वेश्चनेबल है। ये फैक्ट है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज एंड मल्टीपल कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज, वो कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, आज से लगभग 8-10 साल पहले जब चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था पाकिस्तान में और CPEC नाम का एक परियोजना लाया था, तो मतलब पाकिस्तानी इतना उत्साहित हो रहे थे, कह रहे थे बस अब चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर लेंगे, इस परियोजना से भारत जो है कुछ नहीं कर पाएगा, भारत को दोनों देश मिलकर मारेंगे। दोस्तों टाइट अप फिश हो गई। CPEC बलूचिस्तान के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चीनी दो ईंट लगाते, फ्रीडम फाइटर्स पूरा साफ कर देते हैं। ग्वादर को नरक बना के रखा हुआ है BLA और BLF के फ्रीडम फाइटर्स ने। चाइनीज पहुँचते नहीं है कि उनको तबाह कर देते। इवन दो चाइनीज कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किए जा रहे हैं कि नेपाली, कोरियन और जैपनीज को भी अगर कहीं देखते हैं लोग तो चाइनीज समझ के उन पर भी हमले कर दे। जी हाँ दोस्तों, इसी चक्कर में 6 महीने में 30% चाइनीज इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप आई है पाकिस्तान में। आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 6 महीने में 30% की ड्रॉप, चाइनीज जिसका दोस्ती के नारे लगाते फिरते थे पिछले 10 साल से पाकिस्तान, अब चाइना इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई चाइना ने तो हमें फंसा दिया है, ठीक है इतनी महंगी महंगी लोन दे दिया है, प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया, लोन भी चुकाना है, ठीक है पाकिस्तान अगर दो बार बिक जाए ना दोस्तों, पाकिस्तान दो बार बिक जाए फिर भी ये पाकिस्तान चाइना का लोन नहीं चुका सकते। आप इसी से समझ सकते हैं किस तरीके से चाइना ने पिछले सिर्फ 8-10 सालों में पाकिस्तान को गुलाम बना लिया। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो यही जाता है, ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, कहा यह जाता है कि जो भी पाकिस्तान की ऑफिशियल्स आपको बताएं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, मींस के डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें,
क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहां पे इन्वेस्ट करो? सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर सीपैक 2 बन रहा है, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्टरिंग करी चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पोलिटिसाइज किया ना, जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने उनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े वो गैरत थी, ये थे वो, फड़ लो छड़ लो, ऐग कर देंगे, वो कर देंगे, आग ला देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है, आज गली गली बम चल रहे हैं। वो एक बड़ा बम नहीं चला, लेकिन गली गली चल रहे हैं। कभी कोई ब्लैस्फेमी के नाम पे मॉब जस्टिस कर रहा होता है, कभी कोई ईसाइयों पे हमला कर रहा है, कभी कोई अहमदियों पे हमला कर रहा है, किसी खातून ने हलवे वाला कमीज पहन लिया उन्हें मारन लग पे, ठीक है जी, मतलब दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। और आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे, काउंटर टेररिज्म पर डिस्कशन हुई थी। ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन फिर हो गया, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं चार को वहां पर। आई विश कि चाइनीज पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है। क्या सीपैक पाकिस्तान को फायदा देगा या नहीं? डॉक्टर साहब, आई थिंक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप सही तरीके से करें तो बे इंतहा फायदा देगा, अगर आप गलत तरीके से करें तो वही जो है वो आपके गले में फंदा बन जाए। हम कैसे कर रहे हैं अभी? आई थिंक इस वक्त हम, और ये तो IMF की रिपोर्ट में भी आ गया है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ये जो लाइबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, कर्ज़े जो ले रहे हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, ये आपका बबाले जान बन जाएगी, आप इसको सर्विस नहीं कर सकेंगे। सो इशू ये नहीं है कि सीपैक जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, इशू ये है कि जो वो सीपैक की इन्वेस्टमेंट आएगी वो किस तरीके से आएगी। मसफूज दे रहे हैं, सच्ची बात यह है कि हर दफ़ा मुझे कहा जाता है कि पाक चाइना दोस्ती जो है वो लाजवाल है, नस्लों पर मुहित है, लेकिन मुझे आज तक उस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। हर आदमी बताता है बहुत फ़ायदा हुआ है, पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अब मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह चाइनीज ही चाइनीज़ हैं, ज़मीनें वो खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वो खरीद रहे हैं, गोदाम वो खरीद रहे हैं, नौकरियाँ वो कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो डिक्लेयर्ड उनके कैदी हैं जेलों के, उनको यहाँ पे मजदूरी के काम दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी मजदूरों को गवादर तक में काम नहीं मिल रहा, वो फाका कर रहे हैं। ये किस किस्म का रोमांस है? देखें, एक तो हम कहते हैं ना, को हमाला से ऊंची हमारी दोस्ती है, तो उसके साथ मैं एक फिक्रा ऐड किया करता हूँ कि बहरुल कायल से भी ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं चाइना की, एक तो ये ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये कि ये इन्वेस्टमेंट कोई अमृत धारा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है दुनिया में, अफ्रीका में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये इन्वेस्टमेंट जो ठेकेदार फ्रेंडली सिस्टम है और ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के तहत धारा ये सिस्टम बना है, इसमें कहाँ और किस जगह पर पीपल वेलफेयर हुई है मुझे आप बताएं। या जो गाना में देखें वहाँ पे इलेक्शन जीता है एक सदर वहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के खिलाफ। मगर सवाल ये है, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ, और ये मैं आपको डॉन की फिगर कोट कर रहा हूँ कि इसका जो वेरिएबल्स हैं वो तो प्रॉफिट बाद में देखेंगे, होता ही नहीं होता। आपने अगले साल से जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इस पर बोझ आएगा वो 5.5 अरब रुपए का है, 3.75 बिलियन तो आपकी डेट सर्विसिंग होगी, 100 अरब रुपया आपने सिक्योरिटी पे खर्च करना है जो बिजली के बिलों में। अजी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सीपैक को आगे नहीं बढ़ाएगा, इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारे मीडिया में। देखिए, जब आप कर्जों पर चलेंगे, कर्जे तक कर्जे लेते रहेंगे और कर्जों से आगे हासिल कुछ नहीं रहेगा, फिर आपके मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी अरूज पर रहेगी, जब जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। आपके कंट्रोल में ना KPK है, KPK का जो वजीर आला है वो खुद वफा को धमकियां लगाता है, वो खुद दहशतगर्दी पर उतरा हुआ है। बलूचिस्तान के हालात अलग से खराब हैं, सिंध के अपने मामलात खराब हैं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में आएगी और किस ब्याह पर, किस जमानत पर, क्या आप ऐसा एनवायरमेंट दे सकोगे? कल यहाँ सरगोधे में एक वाकया होता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ,
आप वहां पे लोगों को लूट लिया जाता है, मारा जाता है, आग लगा दी जाती है, ऐसे कितने बेशुमार वाकयात पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो ये क्या जो इन्वेस्टर है उनको ये सब नजर नहीं आते? जो इन्वेस्टर होता है उसको हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस चाहिए होती है पहले से, लेकिन आप कुछ भी इंश्योरेंस उनको नहीं दे सकते। तो चाइना जो कि जिसको आपकी जरूरत भी है, आज वो भी आपसे पीछे हटने को तैयार हो रहा है, तो उसके पीछे भी आपकी अपनी ही कुताहियां हैं। आप उनके लोगों को सिक्योरिटी तक नहीं फराहम कर सके सही तरह से, आए दिन उन पर अटैक्स होते रहते हैं। और बिल्कुल ये बात सही है कि सीपैक बन गया, अब वहां से आप जो रूट पे गाड़ियां आ रही हैं, आपके कच्चे के डाकुओं तक को तो पकड़ नहीं सकते। हमारा कराची से यहां पर फैसलाबाद या लाहौर तक जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी मुतासर हुई पड़ी है। और पिछले दिनों कितने सारे ड्राइवरों को उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके मार दिया, कुछ को अगवा कर लिया, उनका सामान जितना था वो सारा लूट लिया। हम टेक्सटाइल रिलेटेड हमारा काम है और हमारी जॉब है, और वहां पे हमारे धागे की शॉर्टेज हो जाती है, बार बार हमें प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। वजह क्या है कि जिस सी पैक और क्या कराची से जो आने वाला रास्ता है वहां पे कच्चे के डाकू नाका लगाकर बैठे हुए हैं, और हमारी हुकूमत क्या है, मुंह देख रही है, मुंह ताक रही है। और फिर अगर इन सब चीजों के होते हुए भी हम कहें कि फलाना आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे, फलाना आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, उनको इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि भाई आप आइए, आपका पैसा भी यहाँ महफूज है, पैसा भी महफूज है, और आप यहाँ से कमा कर भी लेकर जाएंगे तो फिर ही कोई बेचारा आएगा। इस हालात में तो कोई नहीं आने वाला, चाइना तो देखे कि एक चीज ये भी है ना कि देखे कि अब चाइना क्यों कह रहा है कि मैं सीपैक को कंप्लीट नहीं करूंगा, वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता, वो क्यों जो है वो पीछे हटना चाहता है, कि एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा जो है वो चाइना के जो है आवाम यहाँ पे इंजीनियर और जो भी वर्कर यहाँ पे आए हैं और उनको मार दिया गया, और उस पर कोई भी तहकीक नहीं हुई, कोई भी सर्च नहीं हुई, कोई भी जो है उसके पीछे जो जिम्मेदार थे उनको कोई भी सजा नहीं दी गई। हालांकि एक दफा जो उनको इबरतनाक सजा दी होती तो दोबारा ऐसा काम नहीं होता। लेकिन ये देखे कि कोई भी ऐसे ये है कि हमारा जो है आर्मी है वहां पे एयरपोर्ट पे जाके उसको गॉड ऑनर दे आती है, लेकिन जो है कोई उस पर तहकीक नहीं होती भी मारा किसने है, हमला करने वाले कौन थे, उनको पकड़ा नहीं, उनको सजा नहीं मिली। तो आगे फिर ऐसे ही देखे कच्चे के डाकू है, सोशल मीडिया भरा पड़ा, वो भाई पता नहीं कैसे कैसा असरा लेके बैठ के जो है वो भाई जो है वो मैसेज देते हैं कि भाई फलां जो है वो आए भाई मैं बैठा हूँ मेरे से आके मुकाबला करे, भाई वो ऐसे ऐसे वो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। तो फिर कौन सा मुल्क भाई आपके मुल्क में आएगा, कंट्री कौन सी आएगी, कौन सी कंट्री चाहेगी कि हम अपने जो है वो आवाम को वहां पे भेजें, इंजीनियर वहां पे भेजें और जाए वो जैसे कहते हैं गाड़ी में आए अखबार में, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं चाहेगा। उनको अपने जो आवाम है उनकी जान जो है वो कीमती है उनके लिए, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की तरह जो पाकिस्तानी बाहर वाली कंट्री में जाके जो मर भी जाए तो वो कहते भाई ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं है, ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। वो भाई एक एक आदमी की कीमत जो है वो उनको पता है कि हमारे आदमियों को जो आवाम है हमारी उनके जान की कीमत उनके लिए क्या है, तो इसलिए भाई वो इनकार कर रहे हैं। तो भाई चाइना इसलिए कह रहा है कि भाई मैं सीपैक को मुकम्मल नहीं करूँ। बिल्कुल, आप देखें कि जो उनके लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वो कहते हैं कि वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अजीब सा मुल्क है। अब चीज ये है कि आप देखें जितने साल चाइना ने जो इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में, अब देखिए अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और अब उसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है, और वो चाइना तो दुआएं दे रहा है कि ये तो अच्छा हो गया अमेरिका यहां से निकल गया। और देखिए कि खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि इस वक्त जो है ना वो आधे से ज्यादा जो है ना अफगानिस्तान में वो सड़क बना चुके हैं जो कि चाइना को कनेक्ट करेगी ईरान के साथ। और देखिए कि जहां पे इतनी तेजी से वो कर रहे हैं, अब कोई वावेला भी नहीं है, कोई ये भी नहीं हुआ कितनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में चले गए, ये हो गया, अब तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सी पैक को लेकर कितनी जो है ना वो गुब्बारे में हवा फैलाई गई थी, लेकिन हमने खुद ही उसको मुतनाजा बनाते रहे सारा कुछ, लेकिन फिर भी देखिए चाइना के मफादात इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एनवायरमेंट ऐसी मुहैया करनी पड़ेगी, हमें उनको ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उनका दिल करे कि भाई हम यहाँ से अपनी ट्रेड को गुजारें।
लेकिन वो फिर भी देखिए कि तालिबान जैसी हुकूमत के साथ वो जो है ना उन पर वो भरोसा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और हमारी जो इतनी प्यारी जो जमहूरियत है उस पर वो भरोसा करने को अब तैयार, हालांकि हमारे जो दोस्त है ये मीडिया की खबर है, अब इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और ज्यादा ला रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया समेत यूएई बाकी सारे मालिक भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कब आती है कब नहीं आती है तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी हुकूमतें आपके जो हमारे लीडरान हैं दुनिया भर को मुंह फाड़ फाड़ करेंगे कि हम तो हैं ही करप्ट, हम तो हैं ही चोर, हम तो हैं ही डाकू, हमारे अंदर इतनी खराबियां हैं जो हमारे में नहीं है वो भी 10 ऊपर से लगाकर बताएंगे, तो फिर दुनिया का एतबार हम पर तो पहले हमें खराबियां जैसे माननी पड़ेगी। और फिर जो चाइना का सीपैक भी वो भी उसको बंद करवा दिया कि चाइनीज इसमें करप्शन कर रहे हैं, चाइनीज इसमें घोटाला कर रहे हैं, वो कहते ले भी तेरी करप्शन की ऐसी की तैसी, पैसा भी हम लगाए और करप्शन भी हम, इल्जाम भी हम पर ही लगे, तो ऐसे फिर कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा और कौन नहीं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये जो इस गवर्नमेंट के साथ चाइनीज चलने को तैयार हैं वो, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी फिर ही हम कह सकेंगे कि हाँ वाकई ये हुकूमत कामयाब रही या नहीं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।